ये पाकिस्तान को सवेरे रात ठोकना, ये हमारा SUPW है, ये हमारे मेन सब्जेक्ट्स नहीं है, बट ये हमारा SUPW है, हम बड़े इंटरेस्ट के साथ इसको करते हैं, वी गेट एक्साइटेड कि दो पीरियड SUPW के इनको ठोको। ये है मेजर गौरव आर्य, जिसने हमेशा पाकिस्तान के बारे में गलत बातें की हैं, पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें की कि जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, लेकिन कोई बात नहीं, इसको इसकी औकात याद करवाता रहूंगा, दिखाता रहूंगा। और अब ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को मारना तो हमारे लिए आम सी बात है, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह मारा जाता है। ये क्लिप जरा देखें और याद कर लीजिए। आपने क्लिप देखा, पाकिस्तानी अवाम किस तरह भारतीय पायलटों को जूते मारती है और ये पाकिस्तान को धमकियां देता है कि पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो। आज मैं कुछ तफसील लेके आया हूं कि भारतीय फौज में खुदकुशी का रुझान कितना ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन उससे पहले मैं मेजर गौरव आर्या की जबानी ही इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की टोटल औकात आपको दिखाना चाहता हूं कि इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की टोटल औकात भारतीयों की नजर में क्या है। मेजर साहब जरा बताइएगा, जब संदीप दीक्षित ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत को सड़क का गुंडा बोला था, संदीप दीक्षित को यह पता नहीं था कि जनरल रावत कौन है? जी, आपने मेजर गौरव आर्या की जबानी सुना कि भारतीय अवाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गली का गुंडा कहती है, सड़क का गुंडा कहती है, और इसमें कोई शक नहीं है, इनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गली और सड़क का गुंडा है, और जो इनका वजीर आजम है वो भारत के टॉप 10 दहशतगर्दों में शुमार किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि भारतीय फौज में खुदकुशी का रुझान क्या है कि 2009 से 2017 तक भारतीय फौज के 1000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्महत्या कर ली थी, खुदकुशी करके जहन्नुम लोग हैं, जिनमें से बड़ी फौज के 891, फिजाइया के 182 और बहरी फौज के 40 सैनिक ऐसे थे कि जिन्होंने डर से, खौफ से, पाकिस्तान के खौफ से, चीन के खौफ से आत्महत्या कर ली और जहन्नमवासी लोग हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताता हूं कि एक साल के दौरान भारतीय फौज में एक दूसरे को कत्ल करने के, चीन के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान को जवाब देने की हिम्मत नहीं है, किसी और मुल्क के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए आपस में ही गुत्थम गुत्था रहते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं। एक साल के दौरान भारतीय फौजियों ने एक दूसरे के ऊपर 28 से 30 से ज्यादा कातिलाना हमले किए, जिनमें कई फौजी अफसर भी मारे गए, जिनमें कई सिपाही भी मारे गए, और बहुत सारे जो दूसरे फौजी, आम फौजी होते हैं, वो भी जख्मी हुए थे। 12,000 से ज्यादा सिख फौजी भारतीय फौज छोड़ चुके हैं, और जब से चीन के साथ मामला खराब हुए भारत के, 20,000 से ज्यादा फौजियों ने तो छुट्टी की दरखास्त दे दी है। यह टोटल औकात है आपकी, मेजर साहब, आपकी, आपकी फौज की और मोदी हुकूमत की, और आप चले गए पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, पाकिस्तान के साथ वो कर देंगे। अगर आपकी इतनी ही औकात होती तो चीन को जवाब देकर दिखाते ना, मैदान में आया हुआ चीन, पाकिस्तान के साथ आपने एक पंगा किया था, कैसे आपके पायलट को हमने जूते मार मार के भगाया था, भूल गए हो आप? और उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इस वक्त भारतीय फौज के अंदर इतने तनाजात हैं, इतने तनाजात हैं कि भारतीय फौज एक दूसरे को काट खाने के लिए बेताब है, एक दूसरे के साथ मारा मारी कर रहे हैं, क्योंकि घर से उनको सुकून है नहीं, क्योंकि घरों में उनकी तनख्वाहें जाती नहीं है, इनको तनख्वाहें तो मिलती है ना, अच्छा कपड़ा मिलता है इनको पहनने के लिए ना, अच्छा जूता मिलता है इनको पहनने के लिए, आगे इनको जंग के लिए भेज देते हैं, आगे तो खड़े चीनी, चीनी तो इनको इनकी औकात याद करवा देते हैं, और ये फिर क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं या खुदकुशियां कर देते हैं या अपने अफसरों को कत्ल कर देते हैं। तो ये मेजर साहब आपकी फौज की टोटल औकात है, अपनी ये औकात याद रखी करें। और अगर आज के बाद भी आपने पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी बेहुदा बात करने की कोशिश की या कोई ऐसी बात करने की कोशिश की कि जिससे पाकिस्तान के मकाम के हवाले से या पाकिस्तान के रुतबे के हवाले से कोई गलत चीज सामने आई, तो याद रखिएगा आपको इसी तरह आपकी औकात याद करवाता रहूंगा, इसी तरह लोगों को बताता रहूंगा कि भारतीय फौज की टोटल औकात कितनी है। मेजर साहब आपकी तो औकात ही इतनी है, आपके आपकी तो बहादुरी ही इतनी थी कि आप पाकिस्तानी फौज से डर के, पाकिस्तानी फौज से खौफ ज्यादा हो गए, फौज ही छोड़ के भाग गए थे, आप क्या बात करते हैं पाकिस्तान को धमकियां देने की या पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की? अपनी औकात देखें, अपना गरेबान देखें और अपनी औकात में ही रहें। और आखिर में मैं अपने तमाम देखने वालों से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा एक और प्रोजेक्ट है बग्गा खोजी के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपने उस लिंक को क्लिक करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि उस चैनल के ऊपर हम भारत को दिन में 3 वीडियोस के जरिए इनको इनकी औकात याद करवाते हैं, इनकी औकात बताते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे साथ कितना कुछ हो चुका है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में तुम्हारे साथ क्या कुछ होने जा रहा है। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान पाइंदाबाद।